असल एवरीवन कैसे हैं आप लोग वेलकम टू अनदर व्लॉग तो आज का व्लॉग है बैक टू कॉलेज मेरा कॉलेज फिर से ओपन हो गया है और इतनी थोड़ी सी इन्होंने वोकेशन्स दी थी, थी ना तो आज का व्लॉग है इस बारे में आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ और और भी डिटेल्स बताऊँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरा जो स्टडी टेबल है इतना गंदा हुआ हुआ था मतलब पूरा फुल हुआ हुआ था क्योंकि अब स्कूल क्योंकि वापस कॉलेज जाना था तो फिर उसकी प्रिप्रेशन करनी थी तो इस वजह से भी ना वो पूरा फुल हुआ हुआ था मेरा टेबल और मुझे इतना मुश्किल लगता है ना उसको दोबारा से सीख करके रखना अरेंज करके रखना मुझे कम इतना मुश्किल लगता है तो सबसे पहले मैं इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखूँगी उसके बाद फिर मैं आगे का व्लॉग बनाऊँगी असल में मैं ना यहाँ पे बैठ के ना क्राफ्टिंग कर रही थी और ड्राइंग स्केचिंग इस तरह से मैं कर रही थी क्योंकि वकेशन थी तो फिर घर में ना ऐसी मैं बोर होती रहती थी तो मैंने ना फिर थोड़ी सी स्केचिंग वगैरह शुरू कर दी और यहाँ पे मैंने ये ना डायरी लिखी है मैंने ये लिखती हूँ मत रोज ही लिखती हूँ और इसमें मैं लिखती हूँ ना तो फिर ये मैंने पोस्ट भी कर देती हूँ अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड हैं और स्नेपचैट पे भी तो आप लोगों ने तो देखी होगी ज़रूर ये डायरी ना मेरी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हुई है इसके लास्ट कुछ पेजेस ही रह गए हैं तो मैंने ना इस तरह से और भी डायरीज रखी हुई हैं कि ये जब फुल फुल हो फिश हो जाए ना तो उसके बाद फिर मैं दूसरी स्टार्ट करूँ अब मेरी ये डायरी ना फुल होने लगी है तो फिर मैंने सोचा कि जब ये फुल हो जाएगी ना मैं इसमें जब सारा लिख लिखूँगी और फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसका ना मैं जर्नल बना के न इंस्टाग्राम पे ना वो मैं वो पोस्ट करूँगी तो अगर आप लोग मेरे पास ऐड हैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखना और यहाँ पे मैंने ना ये सारा कुछ अरेंज करके रख लिया है और फिर भी इतना फुल लग रहा था मुझे वैसे तो मतलब वो ये साइड ना ज़्यादा खुला गया रही थी जब ये चीज़ें पड़ी और वहाँ की सारा खाली था और जब ये सारा कुछ अरेंज होकर वाबा पड़ा होता है तो इतना प्यारा लगता है और वो जो पेन है ना फ्लावर वाला मुझे इतना अच्छा लगता है वो मेरे पास ना कोई बहुत ही पुराना है आई थिंक टू ईयर्स तो हो गए होंगे उसको और मेरे पास ऐसे वाला एक और है पर्पल कलर का वो फ्लावर है वो मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया मैंने संभाल के रखा है कि मैं बाद में यूज़ करूँगी तो वो भी इतना प्यार है और ये भी मुझे इतना अच्छा लगता है ये असल में देखने में भी, भी बहुत अच्छा लगता है इस पर फ्लावर बना हुआ इतना क्यूट सा है और यहाँ पे मैंने सब कुछ ना अरेंज करके रख दिया वह मैंने अपने स्टडी टेबल पे ना कलर्स रखे हुए हैं और पेंस रखे हुए हैं पेंसिल्स और टेप हाईलाइटर नॉट पैरस और इस तरह की चीज़ें रखी हैं क्योंकि फिर जब मुझे ज़रूरत होती है तो फिर मैं ना वो यूज़ कर लेती हूँ वहाँ से आराम से जब भी मैं वहाँ पे बैठ के क्राफ्टिंग कर रही हूँ या कुछ लिख रही हूँ तो इस तरह से फिर मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैंने ना ये न्यू पॉच लिया था पिंक कलर का मुझे पता है ऐसे वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं मैंने ये फिर लिया था न्यू लिया था और अब जो मेरा वो पुराना पावच है ना वो जो सिल्वर कलर का मैं वहाँ से ना पेंसिल इसमें शिफ्ट कर रही हूँ मैं पता है स्कूल ना बहुत ज़्यादा पेंसिल लेके जाती हूँ ऐसे होते हैं कि मेरे पॉच में ना हर तरह के पेंस भरे होते हैं मैं बहुत सारे ले जाती हूँ मुझे शौक है और ये वाइटॉट है इसको वाइटनर भी कहते हैं और भी जो आप लोग कहते हैं बस वो तो मैं ना ये भी लेके जाती हूँ वैसे इस बार कह वैसे कहते हैं कि ना ये बोर्ड एग्ज़ाम्स में ना यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे मार्क्स कटते हैं लेकिन इस बार मैंने जब एग्ज़ाम्स दिए ना तो बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर यूज़ कर रहे थे लेकिन फिर भी हमें ना अलाउ नहीं होता लेकिन फिर भी मैं इसे लेके चली जाती हूँ हमें न, हमें ना कॉलेज में भी अलाउ नहीं होता वहाँ पर टीचर्स कहती हैं कि एग्ज़ाम्स होना या फिर कोई भी टेस्ट हो तो ये वाइटनर नहीं यूज़ करना तो फिर इस साथ में ये पेंसिल के जा ले के गई थी ले कर जाऊँगी और साथ वो मेरे पास थोड़ा थोड़ छोटा सा रूलर पड़ा मैं वो ले कर जाती हूँ अभी मैंने इसमें पेंसिल डाले और एक ना मैंने कैलीग्राफी मार्कर भी डाला है मुझे ना कैलीग्राफी से ना हेडिंग लिखने का ना बहुत शौक है मैं हेडिंग ना बस वो उसी से लिखती हूँ कैलीग्राफी मार्कर से अभी मैंने इसमें पेन से कड़ी रख दी है। और अभी भी मुझे इतने कम लग रहे थे अब मैं ना और रखू उनकी वैसे ये व्लॉग ना मैंने बनाया था आई थिंक वन डे हो गया होगा और जो मेरा कॉलेज है वो संडे से स्टार्ट होगा तो ये व्लॉग ना मैंने सैटरडे को या फ्राइडे को मैंने मैं बना लिया था और साथ ये जो होते हैं स्टिकी नोट्स होते हैं मैंने ये भी रखे थे वैसे मैं ये तो यूज़ नहीं करती जब मैं नाइन्थ में थी ना तब मैंने ये बहुत यूज़ किए थे तब तो ऐसा लगता है तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है अभी भी ऐसी है टीचर्स कहती हैं कि ये वाला मार्क कर लो ये मार्क कर लो और आता हूँ और फिर भी सारा कुछ ही वो इंपॉर्टेंट हो जाता समझ ही नहीं आती कि क्या याद करें क्या आएगा तो इस वजह से ना फिर पूरी बुक ही याद करनी पड़ती है कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं और अगर इंपॉर्टेंट याद करते हैं ना तो एग्ज़ाम में ना अनइंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं और अगर कोई और अगर अनइंपॉर्टेंट याद करना तो फिर जो टीचर ने मार्क कराई हुई थी ना वो आ जाता है जिस वजह से पूरी बुक ही याद करनी पड़ती है और मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है मैं ना जब भी कोई चीज़ याद करती हूँ ना वो आती है और सारा कुछ बाकी आ जाता बुक से वैसे मैं ना हमेशा सोचती हूँ कि मैं ना नेक्स्ट ईयर से ना पूरी बुक याद किया करूँगी और फिर ऐसा होता भी नहीं है मैं फिर भी दरमियान से ना कुछ ना कुछ चैप्टर छोड़ ही देती हूँ तो यहाँ पे फिर मैं अपना कॉलेज बैग तैयार कर रही थी उसमें मैंने और अभी न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है मैंने अभी रिसेंटली 11th क्लास के एग्ज़ाम्स दिए बोर्ड के तो अब फिर उसके बाद वैकेशन्स हो जाती हैं मुझे लगा था कि होगी टू थ्री मंथ्स की होंगी वैकेशन्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ वैसे ही बहुत कम होती हैं वैकेशंस तो फिर मैंने इस तरह से और इन्होंने वन एंड हाफ मंथ वो वैकेशन्स दिए वन एंड हाफ भी नहीं बनता अभी जुलाई में मेरे एग्जाम्स ख़त्म हुए थे और अभी एकदम से स्टार्ट होगी क्लासेस अभी अगस्त का एंड आया और एकदम से स्टार्ट होगी वन एंड हाफ मंथ भी नहीं बना अचानक से क्लासेस स्टार्ट होगी और इतनी जल्दी स्टार्ट होगी और फिर इस तरह से फिर मैंने जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर ली जो भी समझ आया मैंने वो सब कुछ ले लिया और ये किचन मैंने आपको दिखाई थी अपने व्लॉग में मैंने ली थी अलमुबारकिया से मैंने अपने वो जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने ये दिखाई थी तो फिर ये मैंने अपने बैग के साथ लगा ली क्योंकि उसके साथ मैच भी कर रहा था पिंक कलर का बैग और पिंक कलर की की चेन थी और यहाँ पर मैंने फ़ाइल ली थी तो फाइल में मैं अपने नोट्स रखती हूँ और जो भी टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें होती मैं इसमें रख लेती हूँ और जब मैंने ये फाइल निकाली ना तो इस पर ये पेपर पहले से पड़ा हुआ था और ये जो फ़ाइल है नहीं मेरी बिल्कुल न्यू है मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया हुआ मैं इस तरह तो इस्कूल फाइल कम ही लेकर जाती हूँ तो इसमें से ना वो पेपर निकला था मैंने देखा था कि वो ना मेरे मॉडल एग्जाम्स का ना क्वेश्चन पेपर था मैंने अपने इस व्लाग में ना ये नहीं दिखाया है कि मैं बुक्स अरेंज करके रख रही हूँ बैग में क्योंकि मेरे पास कोई बुक है ही नहीं मैंने अभी एक बुक भी नहीं पाई की हुई मेरे पास कोई बुक नहीं है अब मैं जब कॉलेज जाऊँगी तो मैं फिर वहाँ हासिल लूँगी तो इसी वजह से फिर मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया अभी मैं ना बस एक रजिस्टर लेके जाऊँगी वैसे ना कॉलेज स्टार्ट हुए मैं ना टू थ्री डेज हो गए लेकिन मैं अभी तक गई नहीं हूँ तो अब मैं संडे से जाऊँगी यहाँ पर तो फ्राइडे एंड सैटरडे को ऑफ़ होता है ना तो बाकी सारे वर्किंग डेज़ होते हैं संडे से थर्सडे तक वर्किंग डेज होते हैं और फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता है तो फिर मैं ना संडे से अब मैं ज्वाइन करूँगी कॉलेज को और तब वहाँ से बुक्स लूँगी वैसे मेरे पास कोई बुक ही नहीं है एक भी नहीं है और मैं ना सारी ये बबल जरूर लेके जाती हूँ ये मैं ना मुझे इतनी अच्छी लगती है जब ये ली थी ना तो फिर ना वैसे तो मैंने इसी दिन नहीं ली थी तो तो फिर ना मैंने ली थी मैंने शादी खोल के खा ली एक मुझे इतनी अच्छी लगती है मेरी फेवरेट है मैंने ये ऑलमोस्ट बचपन से खाती आ रही हूँ यहाँ पे ना होती है बकाला होता है तो वहाँ से ही मिलती है और वो भी एक ही कोई बकाला वहाँ से मिलती है बाकी जगहों से मिलती नहीं है तो फिर जब भी मैं उस साइड से जाती हूँ ना वैसे हम उस साइड से ना बहुत ही कम जाते हैं तो फिर जब हम आपसे गुजरते हैं ना तो फिर वहाँ से मैं ज़रूर लेती हूँ मुझे ना ये वाली बहुत ही पसंद है मेरी फेवरेट और मैं ना कॉलेज ज़रूर लेके जाती हूँ बबल्स लेकिन हमें ना वहाँ पे अलाउ ही नहीं करते अगर क्लास में बैठ के खा रहे हो ना बबल तो टीचर साल ही आगे कहती हैं कि इसको फेंकें ये नहीं खानी क्लास में अलाउ नहीं आप लोगों को नहीं पता फिर इसके बाद मैंने रात को रात होगी थी और फिर मैं न रात को बैठ के अपनी नील्स कट कर, कर रही थी क्योंकि स्कूल कॉलेज में ना वो भी अलाउ नहीं होते हैं कि अपने नेल्स लंबे रखें ये अलाव ही नहीं है मेरा ना पहले बहुत ही दिल करता था कि मैं ना ये अपने लॉन्ग नेल्स रखूँ क्योंकि मैं बाकीये देखती थी ना लाइक सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे तो उनके इतने लॉन्ग नेल्स होते थे मेरा भी दिल करता था कि मैं ना लॉन्ग नेल्स रखूँ तो फिर कॉलेज में म नहीं करते थे और फिर जब ओकेशनस होती ना तो फिर तब तो मैं रखती थी और फिर पता है जब लंबे हो जाते ना नेल्स तो उसके बाद इतनी इरीटेशन होने लग जाती है ऐसे लगता है जैसे बहुत ही हैवी लगने लग गया हो तो फिर मैं शादी कट कर लेती हूँ अब मुझे वैसे इतना शौक़ नहीं रहा अब फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मेरे नील्स ना लंबे हो गए और मैं उन्हें कट करूँ और मुझे ना इस तरह से अफसोस नहीं हो रहा वरना हमेशा ऐसा होता है कि जब मेरे नील्स लंबे हो जाते ना तो उनको फिर कट करते वरना मुझे इतना अफसोस होता है कि इतनी मेहनत से मैंने लंबे किए थे अब फिर से स्कूल की वजह से कट करना पड़ रहा है और फिर यहाँ पर ना मैं चिप्स लेके आई थी जब मैं शॉपिंग करने की थी वहाँ से मैं चिप्स लेती मुझे बोले चिप्स इतने अच्छे लगते हैं और ये मैं अपने ना लंच के लिए लाई थी मैं लंच में और भी चीज़ें लेके जाती हूँ लेकिन मैं चिप्स भी ज़रूर लेके जाती हूँ तो वहाँ कैंटीन से कभी कभी ले लेती हूँ या फिर घर से लेके चली जाती हूँ पहले वहाँ पे कैंटीन होती थी इतनी अच्छी होती थी लेकिन अब उन्होंने कैंटीन भी चेंज कर दी क्योंकि कोरोना टाइम था ना तो लास्ट टाइम जब मैं गई थी तब करोना टाइम था उसके बाद फिर उसके बाद फिर उन लोगों ने कैंटीन भी चेंज कर दी वैसे कोरोना टाइम पर ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि एक दिन ऑनलाइन क्लास होती थी और दूसरे दिन फिजिकल क्लास होती थी तो तब ज़्यादा मज़ा आता था लाइक ऑनलाइन क्लास होती थी ना तो फिर तब रेस्ट डे होता था क्योंकि वैसे ही होता ना कि जब ऑनलाइन क्लास होती है तब इतना पढ़ाई भी नहीं होती लाइक हमारी क्लास ना डिवाइड हुई थी टू ग्रुप्स में तो फिर इस वजह से एक दिन ऑनलाइन क्लास होती थी और एक दिन फिजिकल क्लास होती थी तो ऑनलाइन क्लास वाले दिन ना बहुत मज़ा आता था क्योंकि तब कोई पढ़ाई नहीं एक तो सही से, से पढ़ाई नहीं होती थी ऑनलाइन में तो वैसी कोई पढ़ाई नहीं होती तो फिर ऊपर से घर में रेस्ट भी हो जाता था और रिलैक्स होते थे तो अब ना अब ना फुल फिज़िकल क्लासेस हो गए हैं तो अब कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं होगी तो इस बात का बहुत अफसोस है और मैं ना साथ सैनिटाइज़र जरूर ले कर जाती हूँ तो कोरोना टाइम था ना तो फिर तब मैं ना ये लेके गई थी सैनिटाइज़र लेके जाती होती थी और अभी मैं अपने साथ रखती होती हूँ क्योंकि लगा लेती ये लगा लेती हूँ या फिर लंच के बाद क्लासेस में भी ना जो क्लास है उस क्लास रूम से वहाँ पर भी ना भी टीचर वगैरह ने ना वहाँ पर लगाए हुए थे सैनिटाइज़र की ना जो होता है ना बॉटल्स लगाई हुई थी हर जगह पे वो लगी हुई थी बॉटल्स और कॉरिडोर्स में भी लगी हुई थी तो ये बहुत अच्छी बात थी कि कोरोना के लिए ना उन्होंने किया था कि सैनिटाइजर आप सब और अब कोरोना के बाद जो रेगुलर क्लासेस है ना कोरोना टाइम को भी मिला के तो जो रेगुलर क्लासेस ना उसको ऑलमोस्ट टू इयर्स हो गया क्योंकि तब कोरोना आ गया था तो उसके बाद रेगुलर क्लासेस हो नहीं सकी ऑनलाइन थी हमारी टें क्लास के सारे मॉडल और मिड टर्म ना ऑनलाइन ही हुए थे तो हम ना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे ना फाइनल भी ऑनलाइन ही होंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था ऑनलाइन वो फ़ाइनल एग्जाम जो थे इन लोगों ने ना वो फिज़िकल एग्ज़ाम ले दिए तब इतनी प्रिप्रेशन भी दी, नहीं की हुई थी सारों ने यही माइंड बनाया हुआ था कि ना ऑनलाइन होंगे फाइनल एग्जाम्स भी तो इस वजह से ना फिर इतने अच्छे एग्जाम हुए भी, भी नहीं थे और नाइन्थ क्लास का क्या हुआ था उसके मिड टर्म और मॉडल एग्जाम्स जो थे वो सारे ना ऑफलाइन हुए थे तब तो वैसे करोना था नहीं वो ना 2019 के एंड पे आया था ना नहीं 2020 के एंड पे तो तब तो नाइन्थ क्लास के ना मिड टर्म और मॉडल जो थे ना वो फिज़िकल आए थे और जो फाइनल थे ना वो कैंसिल हो गए थे लाइक like, सीरियसली जब एग्ज़ाम था ना मेरा मैथ का फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मुझे एक दिन पहले वो एक दिन पहले ना मैं बैठ के पढ़ रही थी तो मेरा ना अभी एग्ज़ाम होना था फर्स्ट एग्जाम तो साथ ही ना न्यूज़ आई थी कि आप लोगों की प्रोमोशन होगी तो कोई एग्ज़ाम नहीं होगा तो इतनी खुशी हुई थी ना कि एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे और टेन क्लास के इन लोगों ने अचानक से एग्ज़ाम ले लिए फिज़िकल और अभी जो एलेवन क्लास को है इनका तो पता ही था कि ये होंगे फिज़िकली होंगे और इतना मुश्किल एग्जाम्स हुए थे इतने मुश्किल क्वेश्चन पेपर्स आए थे स्पेशली फिज़िक्स का और मैथ का इतना मुश्किल था फिज़िक्स का तो ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था जैसे सारा कुछ आउट ऑफ सिलेबस है समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से आया है तो ये था आज का मेरा व्लॉग अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें और कमेंट में बताएंगे आपको कैसी लगी है और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप उसका सब्सक्राइब ज़रूर करें वैसे इतनी जल्दी ब्लॉग ख़त्म हो गया कि बातें थी अभी तो मैंने कंप्लीट की नहीं थी अभी मैं बातें कर रही थी तो मैंने देखा था ये तो इतनी जल्दी ब्लॉग ख़त्म हो गया चले ठीक है थैंक यू एंड अला हाफिज अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में